चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन रीड कर लो। इन द फिगर अ कार्बन रेजिस्टर हैज बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट्स बॉडी एज मेंशन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो किसी भी रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना होता है तो आपको टेबल पता होना चाहिए। टेबल की टेबल अगर पता होगा तो आप वैल्यूज कलर के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। तो ये चार कलर है तो चार बैंड, फोर बैंड का ये रेजिस्टर है। तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट याद होना चाहिए, बी बी रॉय, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, ये बुक में भी लिखा होता है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। इसमें जो लेटर्स हैं कैपिटल उसको देखो, बी बी कैपिटल, फिर आर ओ वाई, ये आर ओ वाई तीनों कैपिटल हैं, फिर जी कैपिटल है, फिर यहाँ ब्रिटेन में बी कैपिटल है, बी वेरी का वी कैपिटल है, फिर गुड का जी कैपिटल है, डब्ल्यू का वाइफ का डब्ल्यू कैपिटल है। तो इसका एक टेबल आपको बनाना होगा। कैसे टेबल बनाओगे? सबसे पहले आप मेंशन करोगे, बी लिखोगे, देन बी लिखोगे अगेन, फिर आर ओ वाई, फिर जी ग्रेड का जी, फिर बी अगेन, फिर वी, फिर जी एंड फिर डब्ल्यू। अब इसमें आपको पहला जो बी है वो है ब्लैक, दूसरा बी है वो है ब्राउन, ठीक है, ये रेड है, देन ऑरेंज है, और देन येलो है, देन ग्रीन है, देन अगेन ये ब्लू है, देन वायलेट है, देन ग्रे है, और उसके बाद वाइट है, ठीक है। अब पहला कलर C1 और C2, इसको स्ट्रेट कर दें, C1 और C2, थोड़ा सा ऊपर लिख दें, C1 और C2, C1 क्या बताता है? टेंस वाला डिजिट, और दूसरा कलर बताता है वंस वाला डिजिट, तीसरा कलर बताता है मल्टीप्लायर, ठीक है, और चौथा कलर टॉलरेंस यानी एरर, टॉलरेंस मींस एरर, एरर का परसेंटेज बताता है, ठीक है। तो पहला दूसरा कलर अगर है ये, तो ये क्या हो जाएगा पहले कलर का, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दे रहा हूँ ताकि विजिबल हो सके, सेपरेट, ठीक है। अब यहां पर मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है, पहला कलर है, इसकी वैल्यू होगी 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, ये हो गया। अब अगला जो थर्ड कलर होगा वो मल्टीप्लायर होगा, वो शुरू होता है 10^0 से, फिर 10^1, देन 10^2, 10^3, 10^4, 10^5, 10^6, 10^7, 10^8 एंड 10^9, ठीक है, ये C3 के लिए, ठीक है। अब जैसे ही आप पहला कलर देखते हो वो आपको दिखता है वाइट, और वाइट का टेंस वाला डिजिट है 9। तो जैसे ही आप देखोगे, आप अगर टेबल आपको याद है तो आप पहले ही देख के आंसर दे सकते हो, ये वाला 9.1 ये दिया हुआ है, मैं इसको इरेज कर दूँ थोड़ा सा, यहाँ पर मिक्स हो गया, ठीक है, 9.1 देख रहे हो ना, पहला ही डिजिट आपका से पता चल गया आपका आंसर ये होगा, क्योंकि कलर आपका वाइट है। उसके बाद बाकी चीज़ें आप कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट कर लो, लेकिन यहाँ से आंसर आप तुरंत दे सकते हो। जैसे 9 पहला कलर, दूसरा ब्राउन है, ब्राउन का क्या होगा? फिर से 1 होगा। उसके बाद से जो थर्ड कलर है वो कौन सा है? थर्ड कलर आपका रेड है, रेड का मल्टीप्लायर क्या होगा? 10^2, 10^2, तो 91 × 10^2 यानी 9100 ओम हुआ, किलो ओम में 9.1 × 10^3 ऐसे लिख सकते हो ओम, या 9.1 किलो ओम लिख सकते हो, ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? 9.1 करेक्ट है, बाकी समझ आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।